आपके गाड़ी हो या मशीन हो या एक्सवेटर लोड कुछ भी हो, जिंदगी में आपका इंजन सीज नहीं होगा। बस ये तीन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और अगर बाय चांस ये गलती हो भी जा रहा है तो आपको इस तरीके से करना है। हाय एवरीवन, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा ये वीडियो जो है वो मशीन हो या गाड़ी हो, कोई भी एक्सवेटर हो या लोडर हो, तो ये सब मशीनों में फ्रेंड्स इंजन सीज होने का क्या रीज़न होते हैं, क्या रीज़न से इंजन सीज हो जाते हैं, आज की वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी ऐसी गलती होते हैं जो इंजन सीज हो जाते हैं, और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के चला रहे थे मशीन और मशीन चला रहे थे और इंजन सीज हो चुका है। तो इंजन सीज होने का क्या रीज़न होते हैं, चार पांच ऐसा रीज़न होते हैं इंजन सीज होने की। तो फ्रेंड्स, अगर ये गलती अगर ऑपरेटर हो या ड्राइवर हो, अगर ये गलती अगर नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी इंजन सीज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या ऐसा गलती करते हैं जो इंजन सीज हो जाते हैं, और ये गलती ना करे करे तो इंजन सीज कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को बड़ा चैनल करें, ताकि हम आप लोगों के लिए लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो चलो वीडियो को शुरू कर। तो फ्रेंड्स, इंजन को सीज होने का कुछ ऐसा कारण है, तीन चार ऐसा कारण है जिसके कारण इंजन सीज हो जाते हैं। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर के इंजन सीज क्यों हो जाते हैं और क्या वो रीज़न होते हैं जो इंजन सीज होते हैं। तो फ्रेंड्स, चल अभी हम इंजन बानट खोल के आपको वो सारे रीज़न दिखाने वाले हैं कि किस रीज़न से सीज होते हैं इंजन। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, ये इंजन ऑयल का गेज है, ये गेज है। तो ये इंजन ऑयल चेक करने का रहता है, थोड़ा सा कम है इसमें इंजन ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये तो हर किसी को पता है कि इंजन में अगर इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो इंजन हीट करेगा ही करेगा, अगर बिल्कुल नहीं रहेगा तो सीज होगा ही होगा इंजन। ये तो हर कोई पता है, हर किसी को पता है। बट फ्रेंड्स, अचानक इंजन सीज होने की मेन जो रीज़न होते हैं, वो मेन रीज़न एक ये भी हो सकते हैं कि इंजन ऑयल नहीं है तो इंजन हीट होके इंजन सीज भी हो सकते हैं। दूसरा रीज़न अब बात हम करें तो ये फैन बेल्ट की। आप ये फैन बेल्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फैन बेल्ट है इंजन का। तो फ्रेंड्स, अगर मान लो कि मशीन रनिंग है, आपका फैन बेल्ट कमज़ोर है, मशीन रनिंग है, और चलती चलती मशीन में अगर आपका बेल्ट टूट जाए तो क्या होगा? अगर आपको पता चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर इंजन मान लो अचानक से अगर हीट हो जा रहा है, तुमको पता नहीं चलेगा, और अगर इंजन पूरा फुल हाई टेम्परेचर हीट हो गया है तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो फ्रेंड्स, ये इंजन ऑयल पहला रीज़न हो गया, फैन बेल्ट टूट जाए और अगर आप ध्यान ना दे पाओ, अगर टाइम से मशीन को बंद ना करो तो आपका इंजन सीज हो जाएगा, ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न आते हैं फ्रेंड्स, ये रेडी वाटर का, अगर रेडी वाटर का पानी लीक कर गया हो और आपका पूरा पानी गिर जाए तो भी इंजन फुल हीट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। और ऐसे में अगर आप अगर मशीन को अचानक बंद कर रहे हैं तो इंजन सीज हो जाएगा, 100% इंजन सीज हो जाते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप लोगों को करना क्या है? अगर इंजन पूरा हाई टेम्परेचर हीट हो जा रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले फ्रेंड्स, मशीन अगर टेम्परेचर फुल हाई हो जाए तो आपको मशीन को डायरेक्ट बंद नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आप मशीन को बंद कर रहे हैं तो इंजन सीज होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडल करना है।
अगर आपका रेडिएटर से प्रॉब्लम है, मान लो आपके रेडिएटर से प्रॉब्लम है, पूरा उसका पानी गिर गया है, तो आपको सबसे पहले इंजन को आइडल करना है और देखना है कि क्या रीज़न से गिरा है। अगर थोड़ा थोड़ा लीक करके गिरा है या अचानक से ज़्यादा लीक रेडिएटर फट गया और अचानक से पूरा गिर गया है, तो क्या करना है आपको, एक बाल्टी में पानी लेना है और इंजन को आइडल करना है और आराम से ये ढक्कन को खोलना है। कोई वेस्ट वगैरह रख के इसको दबा के आराम से खोलना है। इंजन स्टार्ट में ही थोड़ा सा पानी डालना है आइडल करके, ताकि इंजन थोड़ा ठंडा हो जाए और आप मशीन को बंद कर दो। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आए आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये होता है पहला रीज़न, ये होता है पहला रीज़न इंजन सीज होने का। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका इंजन 100% सीज नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा बात करते हैं कि हम फैन बेल्ट की, अगर मान लो फैन बेल्ट टूट गया है, तो आप चाहे कैसे भी बंद करो, कैसे भी बंद करो, इंजन ठंडा होने वाला नहीं है, इसमें तो कोई रीज़न नहीं है। लेकिन एक एक चीज़ है, अगर आपका फैन बेल्ट टूट गया हो और अगर रेडिएटर से धुआं मारने लगा है, रेडिएटर से पूरा धुआं निकलने लगा है और इंजन फुल हीट हो चुका है, तो ऐसे में भी आप डायरेक्टर बंद ना करें, पहले आइडल करें, पहले आइडल करें, कम से कम 2 मिनट तक आइडल करें, उसके बाद आप मशीन को आराम से बंद करें ताकि आपके इंजन में कोई इफेक्ट ना पड़े। तीसरा, अगर आपका इंजन ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है और ये रीज़न से आपका इंजन फुल हीट हुआ है, तो इस ऐसे में भी आपको आइडल करना है, कम से कम 5 मिनट आइडल कर देना है, 2 से 5 मिनट तक आइडल रखना है और मशीन को बंद करना है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में अगर आप ये चीज़ को कर लिए तो ज़िंदगी में आपका इंजन सीज नहीं करेगा। और फ्रेंड्स से ये कहता है कि हीट में नहीं खोलना चाहिए, तो ये बात सही है कि अगर मशीन हीट रहे तो ये नहीं खोलना चाहिए, बट अगर आपका मशीन स्टार्ट हो तो आप इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक था, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।